ये तो हमेशा से आपको मालूम है कि ये झूठ पे झूठ, क्योंकि झूठ के पांव होते नहीं, लिहाजा वन वन लाई लीड्स टू अनदर। वो झूठ बोलना पड़ता है उनको मुसलसल। वो यानी कितनी मुश्किल थी ये बात बताना कि ये पैसे किस पैसों से ये अपार्टमेंट खरीदे गए, उनकी रसीद ये रही। मुबशिर साहब, आपने सारी जिंदगी काम किया है, मैं आज आज से आज भी आपसे पूछू ना कि आपका 25 साल पुराना जो मकान था जिसमें आप चले किराए पे रहते थे, उसकी रसीदें आपके पास हैं तो पूरी फाइल आपके पास मौजूद होगी। 30 साल पुरानी गाड़ी की फाइलें आज भी मिल जाती हैं हमें अपने घर से, कि यार ये गाड़ी हमारे पास थी, करोला थी, फलाना थी, उसकी भी फाइल मिल जाती है कॉपी गाड़ी बेचने के बाद। ये वो जायदाद जो आपके पोजेशन में है, जो आपके पास है, आज भी आपकी मिल्कियत है, वो कहते हैं उसकी रसीद नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि आया कहां से था। वो टीटियां लग रही हैं, एक शहबाज शरीफ के दो शुगर मिल के अंदर से 24 अरब रुपए की जाली अकाउंट में से पैसे निकल आए, और ये मफरूजे पे बात नहीं हो रही है, ये पैसे फिजिकली पकड़े गए हैं, वो फिजिकली बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, इनके इनकी दस्तखत है, इनके ये उसमें मौजूद है उसके अंदर। वो आगे से मुकर जाते हैं कि जी मैं तो हुई नहीं, एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फिर आप क्या उसको कैसे लेके चलेंगे अपने पूरे संदिया को। ये साबित करना प्रोसिक्यूटर का काम है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। और एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि कोई केस हमने तो बनाया ही नहीं इनके खिलाफ, ये तो सारे इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए हुए हैं, और ये सारे बनाते इसलिए थे कि एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, और ये होते थे कंट्रोल, ये आज भी कंट्रोल होने के लिए तैयार हैं। अभी इमरान खान इनको कान में कह दे कि तुम्हारी कल से मैं जो है वो सारी चीजें रुकवा देता हूँ, फिक्र ना करो, तो ये कल से आप देखें जय जयकार हो जाएगी, ये कहेंगे चलाओ हुकूमत, अब बात करेंगे हम आपसे 5 साल के बाद। ये तो सारा झगड़ा जो है वो है ही इसी चीज का कि हमें ना कुछ कहो, बाकी जो मर्जी कर लो। इस वक्त इनका मैटर ऑफ सर्वाइवल की बैटल, ये जंग ये लड़ रहे हैं, कि इनको ये जंग नहीं है कि इनके सियासी करियर का क्या होगा, इनकी जंग ये है कि इन्होंने जो इतने अरसे में जो लूट का माल जमा किया है, अगर ये प्लंडर मनी निकल गई बाहर और ये सारी चीज कौम के सामने आ गई तो फिर इनका क्या होगा। तो लिहाजा इन्होंने तो ये बैटल लड़नी लड़नी है, और वी वर रेडी मेंटली फॉर इट, कि ये हमें पता था कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये आज इल्जाम लगाते हैं इमरान खान।